नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। एडमिशन ओपन, एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एच कॉलेज, सीबीएसई पैटर्न एजुकेशन, साथ ही एसआरएस एच कॉलेज और एसआरएस आईजीआई में आज ही एडमिशन कराएं। पता है गाजीपुर रौना पार, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 8573919379। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उरई के इंदिरा स्टेडियम में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में सांसद भानु प्रताप वर्मा और 3 विधायकों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, स्कूली छात्रों ने योग दिवस मनाया। सुबह 5 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में लोग इकट्ठा होने लगे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में जिले के सभी आला अधिकारी योग दिवस में मौजूद रहे, तो वहीं सांसद भानु प्रताप वर्मा ने योग को जीवन के लिए जरूरी बताया। तो भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक योग दिवस में योगासन करते हुए नजर आए। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि आज योग का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। यही वजह है कि इस बार 4th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोगों द्वारा योग किया गया और लोगों के लिए योग एक वरदान साबित हो रहा है। अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने उरई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को सफल बताया। इसमें करीब 3 से 4 हजार लोगों ने प्रतिभाग किया और कसम खाई कि योग को जीवन में उतार कर शरीर को स्वस्थ बनाना है। उरई में जो है जालौन जनपद का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। यहाँ इंदिरा स्टेडियम में सब लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ध्येय है कि लोगों के बीच में जो है योग का जो है जो जागरूकता है बढ़े, क्योंकि योग जो है स्वास्थ्य और चित्त के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसी के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे इंदिरा स्टेडियम में जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें लगभग 3-4 हजार लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छे से सभी लोगों ने जितनी उनके सामर्थ्य था उस हिसाब से अपना योग किया है और एक बहुत अच्छे माहौल में जो है योग दिवस को आज यहाँ मनाया गया। क्या मैसेज देंगे योग दिवस पर यहाँ? सिंपल मैसेज तो ये है कि चाहे कोई भी माध्यम हो, योग हो, खेल हो, अपने स्वास्थ्य और मन को अगर स्वस्थ रखना है तो हमें योग और खेल इनमें से किसी एक चीज़ को अपनाना पड़ेगा। और योग सबसे सिंपल होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो और किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, सबके लिए कोई ना कोई योग है, सबके हर अंग के लिए एक एक योग बना हुआ है। तो अगर हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को और जो है पूर्ण कर सकते हैं। तो यही मेरा संदेश। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे भारत को या पूरे विश्व को योग दिवस के माध्यम से स्वस्थ रहने के, ये योग के माध्यम से जो शरीर शुद्ध होता है और इंद्रियां और पूरा शरीर जो शुद्ध होता है उससे तमाम बीमारियों का छुटकारा मिलता है। बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं वो इस योग के माध्यम से उन बीमारियों का इलाज भी होता है और उन योग के माध्यम से ही देश स्वस्थ रहेगा, युवा स्वस्थ रहेगा, तभी हम सब लोग देश का विकास कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई बीमार हो जाता है, जिस देश की जनता बीमार हो जाती है उस देश का विकास नहीं हो सकता है। भारतवर्ष का ये संकल्प है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का ये संकल्प है अंतर्राष्ट्रीय योग के माध्यम से पूरे देश को स्वस्थ बनाने के लिए और देश का विकास करने के लिए आज के इस दिन के अवसर पर ये संकल्प है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।